वजह से किसी भी तरीके से किसी भी सोर्स से आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आपको ये चीज क्लियर हो बहुत बरी होता है कि कि लोग आ, हो जाते हैं कि भी आ, लोग जब नया डॉग लेके आते हैं तो घर में झगड़ा भी हो जाता है आपको कहा था डॉग मत लाना कई बार हस्बैंड बोलता है कई बारी वाइफ कई बे बच्चे बोलते हैं कि आपको कहा था डॉग मत लेके आना घर दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर डी फ्रेंड थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपके टाइम के लिए जो आप हमारे वीडियोस देखते हैं ब्लॉग्स देखते हैं आज मैं बहुत देर बाद एक वीडियो बना रहा हूं और आपके साथ में शेयर करूंगा आ, वीडियो बना रहा हूं इस बच्चे के साथ में इसका नाम बडी है ये लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड है ऑफकोर्स ये जो ऑनर है इसके उन्होंने मुझसे नहीं लिया लेकिन ये मेरा बहुत प्यारा सा बच्चा है हमेशा मेरे पास में आता है अपनी फिटनेस और ग्रोथ दिखाने के लिए और ये बच्चा आप देख रहे हैं कि पप्पी बाइटिंग कर रहा है अक्सर ये प्रॉब्लम आप सबके साथ भी आती है आपके डॉग के साथ में आती है जब आप उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं और वो पपी बाइटिंग करता है अब ये मैं अब आप देखिए फोर फिंगर्स से मैं क्या कर रहा हूँ इसकी चेस्ट के आगे जब मैं रब कर रहा हूँ तो ये शांत हो जा रहा है अभी देखिए शांत हो गया जब मैं हाथ हटाऊंगा तो इस साथ में अपनी बाइटिंग स्टार्ट कर देगा ये देखिए स्टार्ट हो जा रहा है नो 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 इसको मैनेज करने के लिए इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग कि इसको थोड़ा सा चेस्ट के आगे आप प्यार करें और अगर बात नहीं मानेगा तो हम इसका मुंह पकड़ेंगे अगर जरूरत तो होगी तो मैं वीडियो में भी मुंह पकड़ूंगा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज पपी कोट अक्सर लोगों को नहीं क्लियर होता कि हमारे डॉग के बाल क्यों झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं कुछ भी और साथ में ये पपी बाइटिंग का भी एक एग्जाम्पल लाइव आपको दूंगा नो no, मेरा बेटा नो no, मेरा बेटा नो no, मेरा बच्चा नो no, नो no. नहीं बीच में आने नो गुड बॉय पपी कोट के लिए लोग अक्सर परेशान होते हैं कि हमारे डॉग के बाल बहुत झड़ रहे हैं छोटा बेबी है उसके बाल झड़ रहे हैं या कोट डल हो रहा है या कोट का कलर चेंज हो जा रहा है कलर चेंज होने का बहुत सॉलिड बहुत सारे रीज़न रहते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब बच्चे का जो हेयर्स हैं दे आर लिविंग बींग और जब वो टूटते हैं अपनी रूट से तो उसका कलर चेंज होना बिकॉज दे आर लाइफ स्टॉक जब वो रूट से टूटते हैं तो लाइफलेस हो जाते हैं और उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है इसीलिए रिकमेंडेड है कि ब्रशिंग डेली कीजिए ट्वाइस डे कीजिए अब आप देखिए फुल मस्ती में खुद बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है मेरे साथ में लेकिन ये बदमाशी बदतमीजी ना बने इसलिए मैंने इसके फेस को होल्ड कर लिया नो गुड बॉय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ट इसको मारना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट अभी देखिए अभी से टेन और काउंट करना पड़ेगा बिकॉज टेन पे इसकी बात बनी नहीं नो बिहेव प्रॉपरली गुड बॉय जब भी आपने होल्ड करना है इसके फेस को मेक श्योर sure आपके हाथ को या उसके टंग को चोट ना लगे जब हम बच्चे का मुंह पकड़ते हैं तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है मुझे लोग यही बोलते हैं कि सर हमारा जो बच्चा है वो रिएक्ट कर रहा है इस बच्चे की अगर मैं बात करूं इसका जो कोट है वो डल होना शुरू हो गया है फेडेड सा कलर हो गया है ईयर के पीछे भी काफी डल सा कोट हो गया है रफ सा कोट लग रहा है पूरा टच करने में बड़ा रफ कोट लग रहा है उसका एक बहुत सॉलिड रीजन जो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि ये पपी कोट है और ये लॉन्ग कोटेड जमे शेफर्ड है इसलिए इसके बाल ज्यादा महसूस होंगे ज्यादा फेडेड कलर महसूस होगा कई बार ही होता है कि हम ब्लैक कलर का लैब भी अगर देखेंगे तो वो भी ना चॉकलेट से कलर की टेंच देना शेड देना शुरू हो जाता है समटाइम्स और उसका एक रीज़न यही रहता है कि जो पपी कोट है वो चेंज होना शुरू हो गया है पपी कोट जाना शुरू हो गया नया कोट आना शुरू हो गया अगर आप देखेंगे अपने डॉग को तो उसके ये हेड के सेंटर से स्पाइन जो है पूरी की पूरी सेंटर स्पाइन वाला जो पार्ट है वहाँ पे सबसे पहले शाइनी हेयर्स आते हैं दैट मीन्स कि बालों ने नए बालों ने पुराने की जगह लेना शुरू कर दिया है इसका सोल्यूशन ब्रशिंग ट्वाइस से डेली है और इसके अलावा ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स का कॉम्बिनेशन देना बहुत ज़रूरी है साथ में मल्टीवाइटामिन कैल्शियम वगैरह तो ऑफ कोर्स पपी को देना ही चाहिए सो so दैट उसकी ग्रोथ प्रॉपर आए जॉइंट्स प्रॉपर ग्रो करें डेवलप करें ये बच्चा जो है अराउंड फोर मंथ के करीब का है और ये बहुत अच्छा बच्चा है बहुत बड़े बड़े कान है इसके बहुत हैवी हेड है हैवी फेस है जो कलर है जर्मन शेफर्ड में सात आठ कलर आते हैं कोई डार्क पसंद करता है कोई लाइट पसंद करता है नेचर है इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि फादर मदर दोनों डार्क है तो बच्चा भी डार्क ही आएगा कई बेरी होता है वो लाइट हो जाता है कई बेरी पेरेंट्स के कलर लाइट होता है तो बच्चा डार्क हो जाता है रीज़न ये है कि वो जीन्स कैरी कर रहा है यू नेवर नो वो कौन से फोर्थ फिफ्थ टेंथ कौन सा जीन कैरी कर रहा हो उस समय जब वो बच्चा डेवलप हुआ ये जो बच्चा है इसको अगर ब्रशिंग करेंगे प्रॉपरली तो ये बहुत अच्छा शाइनी कोट डेवलप हो जाएगा इसी बच्चे की हैंड हाँ लेग्स की प्रॉब्लम थी ये मेरे पास में जब आए थे इसकी हैंड हाँ लेग्स की प्रॉब्लम थी क्रॉस लेग्स की प्रॉब्लम थी जो अक्सर जर्मन शेफर्ड्स में आती है अक्सर आ जाती है जर्मन शेफर्ड्स में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने इन्हें सजेशन जो दी थी उन्होंने वो फॉलो किया ऑलमोस्ट ये 80 90 परसेंट जो पेट है फिट हो गया है बेटर हो गई है इसकी लेग्स काफ़ी बेहतर हो गया है 100 परसेंट हो जाएगा बिकॉज मेरे पास में आते हैं केयर में है क्योर हो रही हैं वो चीज़ें और मेरे पास में 15 20 दिन में एक बार ही आके ज़रूर चेक करवाते हैं अगर आपके डॉग की भी कोई हेल्थ इश्यू है या कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने वेट को 15-20 दिन में ज़रूर चेक करवाएं ग्रोइंग एज में स्पेशली चेक करवाना पड़ेगा और करवाना चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हुई है उसको डॉक्टर जो है आपके जो वेट हैं वो बहुत टाइम पे अगर उसे वो पकड़ लेंगे तो वो उसे बहुत जल्दी से ठीक कर सकते हैं अगर कोई चीज़ दो तीन महीने पुरानी होगी जैसे हैंड हाँ लेग्स ख़राब होना शुरू हुई दो तीन महीने से ख़राब हो रही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया कोई सोल्यूशन नहीं किया तो वो वो बिगड़ती चले जाएंगी कंडीशन और उसको ठीक करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको हमने स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया था जो मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ जो मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ वो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझसे डॉग परचेज़ करें ना ही मेरे पास इतने सारे डॉग्स होते हैं बड़ा लिमिटेड सा स्टॉक होता है बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं बात नहीं हो पाती बिकॉज मैं एक अकेला आदमी हूँ कहाँ कहाँ बात करूँगा पॉसिबल नहीं होता फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि जो नॉलेज है वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँ हो सकता है कि आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर आप कोई ये सारी फैसिलिटी और ये सारी नॉलेज शेयर करने के लिए कोई और ना हो किसी भी वजह से किसी भी तरीके से किसी भी सोर्स से आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो बहुत बार ये होता है कि लोग डिसाइटेड हो जाते हैं कि भैया हमने एक डॉग लिया था उसका कलर कुछ और था अब उसका कलर चेंज हो गया या अब उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं शायद उसको स्किन की प्रॉब्लम हो गई है या कुछ ऐसा नहीं है टाइम पर डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है अगर डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो भी बाल झड़ेंगे पपी कोट में भी झड़ेंगे अदरवाइज भी झड़ेंगे ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स बहुत ज़रूरी है इस बच्चे के हल्के से स्किन की प्रॉब्लम भी आना शुरू हुई है इसको वहाँ पे हेयर्स को रिमूव करके उसको वहाँ पे ट्रीट करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ये बेजुबान है ये अपनी प्रॉब्लम बोल नहीं सकते बता नहीं सकते वी आर द ऑनर हमें समझना है कि ये क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अगर उसको स्किन की प्रॉब्लम है या उसकी एपेटाइट की प्रॉब्लम है या उसका लूज मोशन है या कुछ भी है ग्रोथ की है जॉइंट्स की प्रॉब्लम है वी आर द ऑनर वी आर द पेरेंट्स हमें देखना है हमें उसे मैनेज करना है ये जो छोटा सा मैसेज आपको दिया डाउट क्लियर करने के लिए कि जो पपी कोट है बेसिकली लोग उसको देख के लेके ज्यादा वरी हो जाते हैं कि पपी कोट है बाल झड़ रहे हैं बहुत सारे लोग जब नया डॉग लेके आते हैं तो घर में झगड़ा भी हो जाता है आपको कहा था डॉग मत लाना कई बे हस्बैंड बोलता है कई बेरी वाइफ कई बेरी बच्चे बोलते हैं कि आपको कहा था डॉग मत लेके आना घर में उसके बाल झड़ेंगे देखो ये बाल झड़ते हैं डॉग के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उसे मैनेज करेंगे प्रॉपरली ट्वाइस अ डे ब्रशिंग कीजिए पांच मिनट मैक्सिमम सुबह और पांच मिनट शाम को हम अगर उसे ब्रशिंग करेंगे तो उसके जो बाल हैं वो उस तरह से नहीं झड़ेंगे जैसे mm -hmm. मैक्सिमम लोगों के डॉग्स mm -hmm. के बाल झड़ते हैं कोट बहुत शाइनी और स्मूथ रहेगा आई होप ये वीडियो जो बनाया है आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए सो so दैट आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने पेट के अपने गुगलू से के मिस ना करें साई दया करेंगे मुझ पे आप पे हमारे पेट्स पे लव यू ऑल थैंक यू